आराम से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सो रहे हैं अपोजिट पार्टी हमारी, कभी रात को फिर दंगा फसाद ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। यहाँ पे आपको कूलर की आवाज आ रही होगी, कुत्ते लड़ रहे हैं फिलहाल, तो कुत्तों की आवाज आ रही कुत्ते। हेलो नवीन गुरु महाराज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं तो बस जस्ट अभी उठाऊ यार, रात के बज रहे हैं, कितना टाइम हो गया रात के? 8:15 हो गया रात के, सो के आराम से अभी उठाऊं और मैंने देखा नवीन भाई साहब हमारे आए हुए हैं। और नवीन जी ठीक हो आप? बहुत दिनों के बाद हैं, दाढ़ी तेरी कटिंग है। आज टीचर डे भी है। हितेश भाई, हितेश बाबू हमारे ईयरफोन लगा रखे हैं, हितेश ने, हितेश को पता नहीं चल रहा। ए हितेश भाई, क्या हाल है? आज टीचर डे है, सो आपने टीचर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? टीचर डे पर टीचर्स को विश किया यार, टीचर्स काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बिल्कुल किसी को बंदा बनाने के लिए। इसका गुरु नहीं मिलता, इसका भी गुरु मिल जाता। कोई लेके आएंगे, वो भी बहुत जल्द आएगी, ढूंढने में लगता। ठीक है नवीन भाई, आज टीचर डे है। ठीक है यार, तो अभी खाना बना लेते हैं हम। ठीक है, भूख लग रही है और खाना बना के खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और तरुण और रोहित गए हैं जॉब पर। गाइस मैं आ चुका हूँ ड्यूटी से और रोहित अभी नहा धो लिया, पर मैंने नहाया भी, अभी नहाऊंगा मैं, मगर पहले व्लॉग स्टार्ट कर लूं। कोई ना अंदर आई हूं अभी। आपको दो बिन भाई अपना इंट्रोडक्शन। गाइस मैं बस यार खाना पीना खा के आराम से सो गया था भाई, अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कोई, मैं तो बस यार। और आज भाई टीचर डे है, हैप्पी टीचर डे। कोई भी टीचर अगर देख रहा हमारा व्लॉग तो उसको हैप्पी टीचर डे मेरी तरफ से। ठीक है। अच्छा तरुण, तेरे साथ कोई स्कूल में या कहीं कॉलेज में जहाँ भी करेगा तरुण है, तो आज टीचर डे है और कोई टीचर हमारा व्लॉग दे रहा था हैप्पी टीचर डे। ठीक है जी। आपसे ये क्यों बोल रहा हूँ? नहीं, कभी स्कूल में या कॉलेज में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तेरे साथ जो शेयर करना चाहता है? नहीं लेकिन सर बहुत अच्छा था। कौन सा सर? बहुत अच्छा है बलविंदर सर। अच्छा बलविंदर सर, अगर आप ये व्लॉग कभी देख पाओ तो आप बहुत अच्छे हो। और रोहित भाई आप बताओ, आपके साथ कोई? रोहित भाई ये क्या बाप वालों का क्या किया हुआ है? ये ना अपने मैडम बन गया, मैं मिक्री करके दिखाऊंगा मैडम की। तुम्हारे फेवरेट फेवरेट सर या मैम कोई? मेरे सर थे ऋषि सर। क्या पढ़ाते थे वो? मैथ। मैथ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मैथ ही था, 10th तक था, 10th तक मैथ ही था। 10th तक सबका मैथ ही होता है फेवरेट? ना मेरा तो डिप्लोमा मैथ ही था। तेरा फेवरेट सर या टीचर कोई? रविंदर सर। कौन सी क्लास तक पढ़ाते थे? 10th तक है। अच्छा ठीक है, सारी फेवरेट थे, ज्योति मैडम सर, जसबीर सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे फेवरेट। रोहित भाई ये क्या किया जा रहा है? पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया। गैलन नहीं है क्या? गैलन में पानी नहीं है? गैलन भर लो यार। तुम्हारा कोई फेवरेट सर मैडम कोई कौन थे? रोहित सर दिल्ली से। अच्छे थे वो, क्या पढ़ाते थे? हिस्ट्री। अबे ओ ये दिल्ली वाला सॉन्ग ना। आपके कोई फेवरेट टीचर या मैडम कोई भी? नवीन। नवीन टीचर। वाह वाह, शिक्षा दी है इसको। क्या बात है क्या बात। ओ नवीन गुरु महाराज। तो चलो यार गाइस, मैं सो जाते हैं हम लोग अभी, मैं और मैं उस रूम में जा रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों इस रूम में सोएंगे और प्रिंस इस रूम में बैठा था। प्रिंस सब थे तभी। ठीक है भाई, पहले से सो आज टीचर डे है यार, तो मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ, तेरा कोई फेवरेट टीचर हो? नाम, कौन सी क्लास में, कौन सा सब्जेक्ट तेरा फेवरेट था, कौन से टीचर है क्या? कोई टीचर हो तेरा फेवरेट तो बता यार, कि नाम बता टीचर का कोई। देखे आपका व्लॉग टीचर आज तक मेरा कोई फेवरेट नहीं हुआ। मैं चल वैसे बता दे, जो अच्छा पढ़ाता था। हाँ मतलब सही था, नॉलेज भी अच्छी थी टीचर। मतलब अभी तक जब मैं फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक था, ठीक है, तब एक मैडम थी मेरी स्वर्णजीत कौर। स्वर्णजीत कौर वो मेरी फेवरेट थी। हाँ फिफ्थ क्लास तक पढ़ाती थी। अब तो वो बुढ़ी हो गई, पहले वो ओल्ड एज की थी और मेरे को भी पढ़ाया उन मैडम ने। तो बस यार हम इस रूम में सोएंगे अभी, ठीक है, वो उस रूम में सो रहे हैं। Hey guys, guys, अभी टाइम हो चुका है, मेरा फोन कहाँ है? टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं।
दो का बजे 1:41 हुए हैं और रात के हुए हैं ये, ठीक है। और अभी हमें लग रही थी भूख, थोड़ा आराम से बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सो रहे हैं अपोजिट पार्टी हमारी, कभी रात को फिर दंगा फसाद ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। चावल बनाते हैं और फिर यहीं से लेके जाएंगे कुकर में डाल के दूसरे वाले रूम में, तो वहां बैठ के खाएंगे आराम से, तो बस फिर सो जाएंगे हम, ठीक है। ओके बाय बाय बाय, सो जाओ आप भी, ठीक है, रहने दे। चावल खाओगे भैया? नहीं खाएगा। अरे रहने दे, सोने दे उसको। हितेश भाई मौके पे चौका कर दिया तुम लोगों ने आज, सही है। रोहित ने तो कंपनी सोचा ठीक है यार, तुम लोग कंपनी में जाना क्या था। चावल बताओ टेस्ट करके, हम तो दूसरे रूम में जा रहे हैं, वहीं खाएंगे आराम से बैठ के। वो वैसे वो लोगो छुपा रहा है कंपनी का, क्या है बढ़िया। टेस्ट कैसा है? घी डाला है मैंने, टेस्ट बताओ कैसा है, ठीक है। पहले हमारा मूड था व्हाइट चावल बनाने का, पर जैसे ही हालात बदले, सिचुएशन बदली, प्लान भी बदल गया हमारा, और हमने वही अपना फेवरेट खाना नमकीन चावल। और ये भाई साहब भी उठ चुके थे तो इनको भी दे दिए, और हमने अपना खाना पीना उठा लिया है, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। निकलो यहाँ से। वही अपना क्या बोले इसको, डिनर बोले, ब्रेकफास्ट बोले, अरे इसके ऊपर मत रख इसको, ब्रेकफास्ट अब क्या खाना मिल चुका है, मिड नाइट जो भी है, ब्रेक नाइट डिनर। तो चलो चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ठीक है, गुड नाइट। ओके, का व्लॉगर इस टाइम तक क्या कर रहा है? अभी टाइम हो चुके हैं 4:30, अभी एडिटिंग कर रहे हैं यार, और सुबह के टाइम हो चुका है, रात के नहीं सुबह के 4:41 हो गए हैं, अभी एडिटिंग कंप्लीट हुई है जस्ट। मैं थोड़ा सा फोन चला रहा था बैठे हुए, ये तरुण भाई साहब हमारे उठे हुए हैं, ये मेरे को कंपनी दे रहे थे, इनके 20 शिफ्ट चली है, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, अभी सोएंगे बस 5-6 बजे रात को, फिर डायरेक्ट उठेंगे 1:30-2 बजे और फिर जाएंगे कंपनी। नींद आ रही है मेरे को, ठीक है गाइस, अभी तो मैं सो जाता हूँ यार, सो के फिर उठ के फिर आपसे मिलता हूँ। प्रिंस उधर सो रहा है आराम से, अकेला पड़ा हुआ, तो मैं भी बस यहाँ सो जाऊंगा, पंखा चला दे यार, गर्मी लग रही है। वो पता क्या है, यहाँ पे आपको कूलर की आवाज आ रही होगी, कुत्ते लड़ रहे हैं फिलहाल, तो कुत्तों की आवाज आ रही है, कुत्ते दिखा के आऊंगा इनको। यहाँ पे साइड में बिल्कुल जस्ट ये एक ही दीवार लगा लीजिए आप, इस दीवार के उस तरफ जो भाई साहब रहते हैं वो कूलर चला रखा है उन्होंने, जैसे ही लाइट भागती है और लाइट आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे रूम में कूलर चल चुका है और ठंड ठंडी हवा आएगी। अरे यार ठीक है गाइस, अभी सोते हैं यार, दिन में ना मैं यहाँ पे एसी लगवाने वाला हूँ इस रूम में, है ना। ठंड में एसी कौन लगवाता है यार, समझाओ इनको, उस टाइम सस्ता मिलेगा। पर फायदा तो नहीं है उसका कुछ भी, फायदा है ना अगली गर्मी में, फायदा ही फायदा, जितना सस्ता मिलेगा ना उतना ही तेरे को अगली गर्मी में फिर तू स्टार्ट करेगा तो। क्या स्टार्ट करेगा, तो गारंटी वारंटी कम हो जाएगी? नहीं कुछ नहीं कम होता, वो बढ़िया चलता है। ये अलग है, तो दो नंबर में ले आए कहीं से, दो नंबर में चोर बाजार में आपको दिखाऊंगा, आप भी लेके आना मस्त। चलो मिलते हैं।